السلام, السلام على وعلى أصحاب الحسين كربلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين أما <سؤال> <سؤال> رجعنا قربان فرزندِ زهراء मुन्जी में मुंजिमे आलम बशरीत हज़रत अल अमर अज्जल तरजरीफ़ पर कि जिनके बहुत से अलकाब पाए जाते हैं उनमें से एक बहुत अहम लकब है मनतम ख़ून हुसैन यह ऐसा लक़ब है कि जब भी हम अपने इमाम को इस लक़ब से याद करते हैं तो हमारी आंखें अशुबार हो जाती हैं सबब क्या है वजह क्या है कि इमाम को इस लक़ब से याद किया जाता है जबकि आपके दीगर बहुत सारे अलकाब पाए जाते हैं इस सिलसिले में हमारे पास बहुत सारे इसबाब दलाइल मौजूद हैं लेकिन उनमें से सिर्फ एक बात अर्ज़ करना है और वो रवायत है जनाब अबू हमद शुमाली से कि जब आपने इमाम मोहम्मद बा़िर आलाम से अर्ज किया मेरे मौला मेरे आका आप भी तो हजरत खुदा हैं आप भी तो हजरत खुदा के फ़र्जंद हैं आप भी तो कायम बमरल हैं आप भी तो वलीअल्ला हैं आप भी तो मासूम हैं आखिर क्या वजह है कि आपको कायम नहीं कहा जाता आपको कायम आले मोहम्मद नहीं कहा जाता बल्कि कायम आले मोहम्मद पुरदगार आलम की उस आखिरी हुज्जत को कहा जाता है आप भी तो लोगों को हक़ की दावत देते हैं आप भी तो तागूत के ख़िलाफ़ आवाज़ें एहताज बुलंद करते हैं आप भी तो बातिल परस्तों से रिश्त व नाता तोड़ देते हैं उस वक्त इमाम मोहम्मद बाकर सलासलम ने जो जवाब दिया है वो अजीब व गरीब है आप इर्शाद फरमाते हैं ए अब हमज़ शुमाली इस लक़ब और हमारी हमारे फ़र्जंद खुदा की आखिरी हुज्जत महदी को कायम आल महम्मद इसलिए कहा जाता है और उन्हें मनतम खून हुसैन इसलिए कहा जाता है कि जिस वक्त मैदान करबला में दस महर्रम को हमारे जद इमाम हुसैन आलात सलाम को तीन दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया गया तो उस वक्त मलकूत समावात में फरिश्तों के दरमियान कोहराम बपा हो गया आहो बका शोर मचा फ़रिश्तों से यह मंज़र देखा न गया और एक मरतबा बारगा परवरदगार में ये अर्ज़ किया है मेरे पालने वाले अय मेरे खालिक, अ मेरे मालिक क्या तू अपने अपने मखलूक़ में सबसे हसीन सबसे से बाराफ़त सबसे ज़्यादा साहिब फ़जीलत साहिब करामत और अपने नज़दीक सबसे ज़्यादा साहिब इज़्ज़त फ़र्द के कातलों को माफ़ कर देगा और बख्श देगा जैसे ही यह सवाल हुआ है बारगा अहदियत में फ़रिश्तों की जानब से तो उस वक्त परवरदार आलम ने यह इर्शाद फरमाया कि हरगिज़ नहीं मैं अपने इस बंदे के कातिलों से इंतकाम लूँगा जैसे ही परवरदार आलम ने यह इर्शाद फरमाया फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया कि यह मेरे पालने वाले तू तो किस तरीक़े से इंतकाम लेगा वो इंतकाम लेने वाला कौन होगा तो जैसे ही फ़रिश्तों ने यह सवाल किया बस एक मरतबा सारे हिजाब हटा दिए गए अब जो मलाक अर्श ने जो मंज़र देखा वो अजीब व गरीब था आसमान के मामूर फरिश्तों ने यह मंज़र देखा कि पैगम्बर इस्लाम सल्ह वसम से ले करके सारे या यके बाद दीगरे इस दुनिया में आए और उन्होंने एलान हक़ किया सबको शहीद किया गया सबका ज़माना उन्होंने अपनी निगाहों से देखा यहाँ तक के वो आखिरी इमाम का दौर भी फ़रिश्तों ने देखा तो क्या देख देखा कि पैगंबर के सामने ये सारे अइमा मौजूद हैं और उनमें आपका आखिरी फर्जन या खुदा की आखिरी हजत जो नमाज़ में मशगूल है जब फ़रिश्तों की नज़र उनके वजूद मुक़दस पर पड़ी, तो एक मरतबा परवरदार आलम की तरफ़ से ये आवाज़ आई कि यही वो फ़र्द है कि जिसके ज़रिए से मैं अपने बंद खास हुसैन इबन अली के कतलों से इंतकाम लूँगा लिहाजा सरकारी इमाम ज़माना आलात वाम को मंतिकम खून हुसैन कहा जाता है और शायद सबसे ज़्यादा आपको अगर कोई लकब पसंद हो तो यही कि उन्हें मनत खून हुसैन यही वजह है कि मोमिन हर सुबह जुमा जब अपने मौला को पुकारते हैं तो आवाज़ देते हैं आनता लिबो बेदमिल मकतूल बे करबला कहाँ है वो कि जो करबला में कत्ल होने वाले के खून का बदला लेगा सिर्फ इमाम ज़माना मनतकम खून हुसैन ही नहीं बल्कि रवायात तो इस बात की शाहिद हैं कि जितने भी खून इस ज़मीन के ऊपर नाहक बहाए गए हैं उन सब का बदला इमाम ज़माना आलाम आके दुश्मनों से लेंगे और एक वो वक्त आएगा कि जब इस ज़मीन को इंसाफ से भर देंगे जिस तरीक़े से ये ज़मीन झोर से भरी हुई थी हमारी दुआ है परवरदार आलम की बारगाह में ए मेरे पालने वाले तुझे अहल बैत का वास्ता कि हमें मुंतकम खून हुसैन के नासिर व मददगार में शुमार फरमा और जितने भी जुल्म का शिकार हैं इस दुनिया में जहाँ कहीं भी अली के चाहने वाले पैगम्बर इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले मुसीबतों में गिरफ्तार हैं परवरदगार उन्हें उन मसायब से रिहाई फरमा इमाम के ूर में ताजील फरमा हमें उनके नासिर व मददगार में शुमार फरमा आमीन वसलम वरहमल वबरक